Regarding hostel. Okay, good morning students. We were covering the third lesson of geography. Okay, let us try to start with the chapter. Okay, and we have covered most of the topics. Today we will start with nuclear energy. Okay, this is also one of the forms of non-conventional sources of energy. Okay. Or nuclear power. Okay, this is lesson 3 of geography, and today I will try to complete this chapter so that we can start with history, lesson 5. Okay, now see, what is nuclear energy? In our previous class we discussed about tidal energy. We saw that Gulf of Cumbert and Gulf of Kutch. Okay, these are the special areas where the tides are. ये दोनों के Gulf of Cumbert और Gulf of Kutch, ये दोनों जो है अरब सागर में गुजरात में के जो कोस्ट लाइन है वहां पे स्थित है. Okay, ठीक है ना, अरब सागर से सटे हुए हैं. और आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, ये दोनों जो है हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट विंड एनर्जी. ओके, हाउ द स्पीड ऑफ द विंड, हाउ द स्पीड ऑफ द विंड इज यूटिलाइज फॉर ओके जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी. टूडे वी विल बिगिन विथ न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ सी, वॉट इज न्यूक्लियर पावर? Nuclear power is regarded as one of the cleanest methods of electricity generation. See, as far as nuclear power is concerned, nuclear power is regarded, ये सबसे साफ सुथरा माना जाता है. लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रदूषण रहित है? No. As one of the cleanest, ठीक है ना? It is regarded as one of the cleanest methods of electricity generation. Cleanest methods of electricity generation. Now, what happens? As you can see the figure, in your book. ठीक है? देखो यहाँ पे energy कैसे store हो रही है? See, nuclear power. Look at the figure. Figure 3.19. If you look at the figure 3.19, what do you see? You see that, okay, ये देखो न्यूक्लियर रिएक्टर है. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में एक प्रोसेस, वन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. सी, ओके, वन प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट? फिशन एंड फ्यूजन. ये दोनों प्रोसेस जो है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं, और इसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि स्टीम रिलीज होती है. और ये स्टीम जो है टर्बाइन्स, जनरेटर जैसे स्टार्ट किया जाता है. ओके, टर्बाइन के जो ब्लेड्स हैं वो मूव करने लगते हैं, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? सी, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेंड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स. ठीक है ना? ओके, जो एटम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है. जब हम उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं, सी, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेंड बाय altering the structure of atoms. I hope you've gone through the content that I have sent you regarding the distribution of minerals. Map is very much important. जो map आपको मैंने forward किया है उस map को आपको plot करना है. आपको एक political map of India खरीदना होगा. अभी मैं home assignment में आपको दूंगी. You'll have to plot that map, distribution of minerals in India, क्योंकि ये high school में भी आता है. तो अगर आपकी class 8 की SST की copy maintained रहेगी, तो जब आप board exams देंगे, आपके बहुत काम आएंगी, especially map pointing. Okay? Now see, what is done? Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. तो देखो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ये जो एटम्स हैं, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, दे हेल्प इन ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स. ओके,
Now see, the atoms of the fuels are allowed to split in a controlled way. इनको जो है एक दूसरे से जो है अलग होने का जो है चांस दिया जाता है. ओके okay? इनको स्प्लिट करने का जो है मौका दिया जाता है, और इस तरीके से दिया जाता है ताकि जब ये स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस वक्त जो है ऊर्जा रिलीज हो रही है. ओके सी, एटम्स ऑफ द फ्यूल्स आर अलाउड टू स्प्लिट इन अ कंट्रोल्ड वे एंड द एनर्जी रिलीज इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम. द स्टीम टर्बाइन्स रन टू ओके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और जहां कहीं भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और डैमेज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, तो उस समय में जो है क्या होता है. ओके ये सबसे, हम कह रहे हैं कि ये सबसे क्लीनेस्ट मेथड्स है इलेक्ट्रिसिटी. ओके इट इज द वन ऑफ द क्लीनेस्ट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. लेकिन अगर जहां पे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है, अगर मान लीजिए अगर वहां पे जो है अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, ठीक है ना, ओके अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है या किसी प्रकार का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको डैमेज पहुंचती है, तो क्या होगा, उस समय जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो बाहर आ जाते हैं. ओके और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और आके जो है ये बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं. ओके इंसानों को भी और जो प्रॉपर्टी है आसपास की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं. ओके सो टू प्रोसेसेस यहाँ पे बस खाली फ्यूजन का दिया गया है. ओके टेक प्लेस इन द रिएक्टर्स. ओके वन इज दैट इज फ्यूजन एंड फ्यूजन. ओके द एटम्स आर अलाउड टू स्प्लिट इन अ कंट्रोल्ड वे. ठीक है ना, इन अ कंट्रोल्ड वे टू जनरेट व्हाट. जब ये एटम्स आपस में स्प्लिट करते हैं तो स्टीम रिलीज होता है. अब जैसे ये स्टीम रिलीज होता है, ये टर्बाइन्स के ब्लेड जो है वो मूव करने लगते हैं और जो है दिस एनर्जी ओके हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. सो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी. एज फार एज न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसर्न, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ कमर्शियल बेसिस वाज स्टार्टेड इन यूके. तो सबसे पहला ओके द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, पहला न्यूक्लियर प्लांट विश्व का ओके स्टार्टेड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था 1956 में. ओके द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टार्टेड इन यूके इन 1956. ठीक है ना, 1956 में जो है सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है विश्व का लगाया गया और वो यूके में लगाया गया, और उसके बाद बाकी कंट्रीज जो है इसको फॉलो करते हैं. ओके द अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, ऑल दीज कंट्रीज दे फॉलो. ओके नाउ सी, मोर देन 30 कंट्रीज प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. ओके अब जहां तक न्यूक्लियर पावर का सवाल है, ओके लगभग 30 देश, ओके लेट मी वाइप इट आउट, मोर देन 30 कंट्रीज दे प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर. और हमारे देश की पोजिशन क्या है, डज एनीबडी नो, एज फार एज न्यूक्लियर पावर इज कंसर्न, हमारे देश का स्थान कहाँ है, मोर देन 30 कंट्रीज. ओके मोर देन 30 कंट्रीज प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर. इंडिया ऑक्युपाइज द 10th पोजिशन. ठीक है, इंडिया ऑक्युपाइज द 10th पोजिशन. तो देखो 30 देश जो है ये न्यूक्लियर पावर जो है तैयार कर रहे हैं. ओके और हमारा देश जो है वो 10वां स्थान जो है ओके हासिल करता है. और हमारे देश के मिसाइल मैन कौन थे, हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम. मैम एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है,
देखो मैम एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है. इंडिया ऑक्यूपाइज द 10th पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इन प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम. ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम. तो हमारे देश में आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो ये प्रोसेस होता है फिशन और फ्यूजन, इसके लिए जो है न्यूक्लियर थोरियम और यूरेनियम, इन दोनों की जो है आवश्यकता होती है. तो हमारा देश जो है वो 10वां स्थान हासिल कर रहा है विश्व में जहां तक यूरेनियम के उत्पादन का सवाल है. और हमें पता है कि हमारे देश को एक न्यूक्लियर परमाणु शक्ति बनाने वाले थे हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम. यस मैम. पूरे विश्व ने जो है ये सोच के रखा था कि हम कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन पाएंगे. ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारे ही देश में बना. What it is called? The first supercomputer of our country? Any idea? ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमारे देश को जाती हैं. इसका नाम सुने हो? परम. This is the first. मैम पैरामीटर. No ma'am. This is the first supercomputer of our country. This is the first supercomputer of our country, Param. And as far as nuclear, strength is concerned, तो हम देख रहे हैं कि ये अटल जी की देन थी. अटल बिहारी वाजपेयी जो है जो कहते थे वो करते थे. और अगर आप परमाणु मूवी को खुद ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि परमाणु मूवी अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे अमेरिका का जो है ध्यान जो है हटाया जाता है. पोखरण से उसका ध्यान हटा के जो है बॉर्डर पे किया जाता है ताकि हम अपनी परमाणु परीक्षण को कर सके. ठीक है ना. तो हमारा देश जैसे ही परमाणु शक्ति बनता है, जैसे ही हमारा देश जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, इको कर रही है, कभी कभी हो जाता है. देखो जो पहला देश हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला जो पहला देश था वो अमेरिका था. एक के बाद एक अमेरिका जो है, उस वक्त जॉर्ज वाशिंगटन बुश जो है प्रेसिडेंट थे. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, इसको वेरीफाई करिएगा आप लोग. जहां तक मैं जानती हूँ जॉर्ज वाशिंगटन बुश जो है उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे. और आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो है हमारे देश के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगने लगते हैं. हम लोग WTO में नहीं जा सकते हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. लेकिन सारी दिक्कतों को जो है अटल जी ने परे हटा के जो है हमारे जो देश है भारतवर्ष, इसको एक परमाणु शक्ति बना के ही माने. इसके पहले भी टेस्टिंग हुई थी पोखरण में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. इट वॉज इन आवर सेकेंड अटेम्प्ट. ठीक है, हम लोग दूसरी जो है कोशिश में जो है एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर के आए. और जो पहले जो विश्व के बाकी जो देश हैं वो सोचते थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता है. अब वो इंडिया को जो है समझने लगे कि यस, इंडिया टू हैज द पोटेंशियल टू गो फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग. ठीक है ना. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ाई के साथ साथ जो है जनरल नॉलेज की चीजें भी पता कर सकते हैं.